हम बचपन से ही भगवान और देव देवियों की प्रार्थना करते आ रहे हैं, उनकी भक्ति करते आ रहे हैं और इसी तरह अलग अलग तरीके से भगवान एवं धर्म से जुड़े हुए हैं। फिर भी हम पूछते हैं कि भगवान कौन है, क्या हकीकत में भगवान का अस्तित्व है, क्या वास्तव में भगवान है, कहाँ है भगवान, क्या किसी ने भगवान को देखा है या उनका अनुभव किया है, भगवान का पता क्या है, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, क्या भगवान के अस्तित्व का कोई सबूत है, क्या ये दुनिया भगवान चलाते हैं, भगवान का न्याय क्या है, हम भगवान के साथ अभेद कैसे हो सकते हैं, क्या मैं भगवान का प्रेम पा सकता हूँ, क्या भगवान से की हुई हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब मिलता है, क्या भगवान एक है या अनेक है, क्या भगवान के प्रेम को महसूस कर सकते हैं, भगवान और विज्ञान के बीच कोई संबंध है। विकसित दिमाग में ऐसे कई प्रश्न उठते हैं। आखिरकार भगवान को जानने की खोज के लिए ये लड़का निकला। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने आत्मिक आवाज को सुनने के लिए बहुत बेताब था। उसे भगवान को खोजने की खातिर वह एक अद्भुत यात्रा पर निकला। वह नाथ और साधुओं से मिला, उनके उपदेशों को सुना और ध्यान और तपस्या की। युवा लड़का ने समझा कि भगवान की खोज में सच्चाई का राज उसके अंतर में है। उसने अपने मन की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और सभी में भगवान का दर्शन किया। ध्यान की गहराई में उसने एक नया परिचय किया, एक निष्कलंक अस्तित्व जो सभी में है पर जिसे वह कहीं भी नहीं देख सकता था। उसने समझा कि भगवान न किसी विशेष स्थान में है, न ही किसी विशेष रूप में, बल्कि उन्हें उसके अंतर्यामिता और सौंदर्य के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को खोजने का सच्चा राज हमारे अंतर में है। हमें अपने मन की गहराई में जाकर भगवान को खोजना होगा और उसके प्रति निष्कलंक भावना और भक्ति बनाए रखना होगा। इससे हमें आत्मा की शांति और संतुलन मिलेगा जो अंत में हमें भगवान के प्रति समर्पित बनाएगा।